करके देखें। पहला, इन प्रश्नों को हल कीजिए। पहला, तीन वर्गमूल दो धन तीन वर्गमूल दो। दूसरा, तीन वर्गमूल छः गुणित दो वर्गमूल तीन। दो, पाँच वर्गमूल तीन धन सात वर्गमूल पाँच को तीन वर्गमूल पाँच धन सात वर्गमूल तीन में से घटाओ। तीसरा, छः वर्गमूल तीन को तेरह वर्गमूल तीन से गुणा करो। चौथा, इन प्रश्नों को हल कीजिए। पहला, कोष्टक में तीन धन वर्गमूल तीन गुणित कोष्टक में दो धन वर्गमूल दो। दूसरा, तीन कोष्टक में दो धन वर्गमूल तीन गुणित कोष्टक में दो ऋण वर्गमूल तीन। तीसरा, कोष्टक में वर्गमूल पाँच धन वर्गमूल दो पूरे का वर्ग। चौथा, कोष्टक में वर्गमूल पाँच ऋण वर्गमूल दो गुणित कोष्टक में वर्गमूल पाँच धन वर्गमूल दो। कुछ और संक्रियाएं। जब वास्तविक संख्या में कई हिस्से हों तो उनका जोड़ कैसे होगा? ए वर्गमूल बी धन सी वर्गमूल बी धन ई वर्गमूल बी का जोड़ कैसे होगा? यह जोड़ बराबर कोष्टक में ए धन सी धन ई कोष्टक बंद गुणित वर्गमूल बी। ऐसे ही और वास्तविक संख्याओं का जोड़ भी कर सकते हैं। हर को परिमेय बनाओ। हम वर्गमूल दो को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, तब क्या एक बटे वर्गमूल दो को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? एक बटे वर्गमूल दो का मान क्या होगा? एक बटे वर्गमूल दो बराबर एक बटे 1.414213...... क्या एक को वर्गमूल दो बराबर 1.414213...... से भाग दे सकते हैं? यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल दो एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है। ऐसी स्थिति में हमें हर के परिमेयीकरण की आवश्यकता होती है। हर के परिमेयीकरण के लिए एक बटे वर्गमूल दो के अंश और हर में वर्गमूल दो का गुणा करेंगे। एक बटे वर्गमूल दो बराबर एक बटे वर्गमूल दो गुणित वर्गमूल दो बटे वर्गमूल दो बराबर एक बटे दो गुणित वर्गमूल दो बराबर वर्गमूल दो बटे दो, यानि यह वर्गमूल दो का आधा है। क्या हम वर्गमूल दो बटे दो को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? वर्गमूल दो बटे दो क्योंकि वर्गमूल दो का आधा है, अतः शून्य और एक के बीच होगा। करके देखें। पहला, हर को परिमेय बनाइए। पहला, एक बटे चार धन वर्गमूल पाँच। दूसरा, एक बटे सात धन चार वर्गमूल तीन। तीसरा, एक बटे सात धन चार वर्गमूल तीन धन एक बटे दो धन वर्गमूल पाँच।